सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ ने मेघालय पुलिस के सहयोग से अनुमानित 48 लाख रुपए मूल्य की 24,000 किलोग्राम प्रसंस्कृत बैटल नट्स या सुपारी को सफलतापूर्वक पकड़ा। ये ऑपरेशन मेघालय में दक्षिण गारो हिल्स की अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर हुआ, जो अवैध व्यापार और प्रतिबंधित गतिविधियों के खिलाफ एक महत्वपूर्ण जीत है। ये जब्ती बीएसएफ और मेघालय पुलिस के बीच सावधानी पूर्वक नियोजित सहयोग अभियान के दौरान हुई। जब्त की गई खेप अंतर्राष्ट्रीय सीमा के पार ले जाया जा रहा था। आमतौर पर उत्तेजित पदार्थ के रूप में चबाए जाने वाले बैटल नट्स या सुपारी को संसाधित कर दिया गया था और वितरण के लिए तैयार थी। ये ऑपरेशन न केवल प्रतिबंधित वस्तु के अवैध व्यापार को रोकने में कानून प्रबंधन एजेंसियों की दक्षता को प्रदर्शित करता है, बल्कि देश की सीमाओं की सुरक्षा और अखंडता सुनिश्चित करने वाले सहयोग प्रयासों पर भी जोर देता है।